तो एलएसी पर वैसे तो चीन भारत में दशकों से तनातनी जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सामान्य है, मगर खुलासा हुआ है कि इसी शांति की आड़ में ड्रैगन घात लगाने का षड्यंत्र रच रहा है, जिसका पर्दाफाश ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। जी हां, जिनपिंग की ब्रिगेड ने एलएसी पर हिंदुस्तान के खिलाफ नया प्लान तैयार किया है, और वो भी दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे। कैसे, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे जिनपिंग की आर्मी अटैक का प्लान तैयार कर रही है भारत के खिलाफ। सैटेलाइट कैमरे से कैप्चर की गई ये तस्वीरें धुंधली नहीं थी, मगर इन्हें ब्लर किया, क्यों आपको बताएं, लेकिन इतना जान लीजिए कि इन धुंधली तस्वीरों के पीछे का राज बेहद खौफनाक। ड्रैगन की हवाई साजिश और नया बारूदी वॉर प्लान बहुत खतरनाक है। जी हां, अब तक एलएसी से चीन की घुसपैठ वाली साजिश दुनिया के सामने आ रही है। अब तक एलएसी से सरहदी इलाकों पर ड्रैगन आर्मी युद्ध वाली रिहर्सल कर रही थी, लेकिन इस बार एलएसी पर कुछ बड़ा करने की फिराक में है ड्रैगन, जिसके पुख्ता सबूत कुछ तस्वीरों में कैद, जिन्हें आज हम आपके सामने डिकोड करें। लाल कप्तान के घातक षड्यंत्र से एक एक पर्दा उठेगा। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस लकीर के आर पार कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं, जिसे लेकर भारत और चीन की सेना में दशकों से तनाव। अगर अब एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात का खुलासा किया है कि एलएसी के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बड़ी साजिश रच रही है। एलएसी के पास ड्रैगन की बड़ी साजिश नंबर एक बंकर और बेस कैंप के साथ हवाई पट्टी बन रही है। एलएसी के पास ड्रैगन की बड़ी साजिश नंबर दो पीएलए तमाम पुराने एयरबेस को अपग्रेड कर रही है। एलएसी के पास ड्रैगन की बड़ी साजिश नंबर तीन पीएलए एयरफोर्स ने भारी तादाद में लड़ाकू विमान तैनात किए। एलएसी के पास ड्रैगन की बड़ी साजिश नंबर चार इन्फेंट्री रेजिमेंट और आर्टिलरी ब्रिगेड को भी तैनात किया। एलएसी के पास ड्रैगन की बड़ी साजिश नंबर पांच चीनी वायुसेना की एयर ब्रिगेड ने एलएसी पर मोर्चा संभाला। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की माने तो इस बार ड्रैगन ने भारत के खिलाफ डबल फ्रंट से हमले का चक्रव्यूह तैयार किया, शनि जमीन के साथ साथ आसमान से प्रहार, वो भी अपनी सेना के दम पर नहीं बल्कि बारूद उगलने वाले विस्फोटक हथियारों और मिसाइल दागने वाले लड़ाकू विमानों के दम पर। असल में एलएसी पर इस तरह की फूल प्रूफ तैयारी के पीछे जिनपिंग की बौखलाहट, क्योंकि पहले गलवान और फिर पैंगोंग, बैक टू बैक दो मोर्चे पर मूंगी खाने वाला ड्रैगन पूरी तरह झल्लाया हुआ है। इस बीच हिंदुस्तान इंडो पैसिफिक रीजन क्वाड संगठन में शामिल हो चुका है, इसी के चलते जिनपिंग ये समझ चुके हैं कि भारत से आमने सामने की जंग लड़ना सीधे फिरना आसान नहीं, लिहाजा ड्रैगन भारत से बदला लेने की चाह में एलएसी से सटे सरहदी इलाकों में नए एयरबेस तैयार करने के साथ साथ पुराने को भी डेवलप कर रहा है। चोरी छिपे सैनिकों की डिप्लॉयमेंट हो रही है, जंगी तोपों और आर्टिलरी को तैनात किया जा रहा है ताकि घात लगाकर हमला हो सके, मगर सैटेलाइट कैमरे ने जिनपिंग के इस खुफिया प्लान को रिवील कर दिया। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं, आखिर चीन ने एलएसी के पास किन इलाकों में सैनिकों की कितनी तादाद बढ़ाई, कितने लड़ाकू विमान इन्फेंट्री ब्रिगेड और एयर ब्रिगेड को तैनात किया, किस एयरबेस को अपग्रेड किया, कहां नई हवाई पट्टी तैयार और कहां लड़ाकू विमानों की तैनाती। सबसे पहले बात तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन, जहां ताचेंग प्रांत में एर्थ मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन ने मोर्चा संभाला, वहीं उरुम्की के इलाके में फर्स्ट
इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री रेजिमेंट, हाई पावर्ड आर्टिलरी ब्रिगेड, 11th मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और 2nd आर्टिलरी ब्रिगेड तैनात। उरुमकी के पास एयरबेस पर 109 एयर ब्रिगेड के साथ 16J8F लड़ाकू विमान और 16J8H फाइटर जेट की भी तैनाती की गई। इसके अलावा उरुमकी के एयरबेस पर 110 एयर ब्रिगेड के साथ 24J7A लड़ाकू विमान तैनात किए गए। पाइंगोलिन में पीएलए की 4th मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन ने मोर्चा संभाल रखा। पाइंगोलिन में ही पीएलए एयरफोर्स की 11th एयर ब्रिगेड के साथ 16J11A और 16J11BS लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। चीनी फौज ने पाइंगोलिन में 56th रॉकेट फोर्स बेस के साथ DF-21S और DF-21CS मिसाइलों को भी मुस्तैद किया। पाइंगोलिन इलाके में 112th एयर ब्रिगेड के साथ 32J7 फाइटर जेट और 178 यूएवी ब्रिगेड भी तैनात की गई। वहीं होटान एयरबेस पर 6th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और 2nd इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री रेजिमेंट को भी तैनात किया गया। चीन की फौज ने सिर्फ तिब्बत के आसपास ही सैनिकों, हथियारों और लड़ाकू विमानों की हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं की है, बल्कि लद्दाख के विवादित जोन के आसपास ड्रैगन की अवैध कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट जारी। मतलब ये कि एलएसी वाले वॉर जोन हालात अलार्म है। अगर चीन भूल गया कि वो जितनी मर्जी तैयारी कर ले, एलएसी से सटे सरहदी इलाकों, भारत चीन बॉर्डर के पास अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को तैनात कर ले, लेकिन अगर भारत की तरफ आंख उठा कर देखा तो अंजाम बेहद घातक होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।